Papa David. Ah, Pexington, yeah. Yeah, yeah. Yeah, Pexington, so. That's yeah, yo. My. Yeah, Pexington. Yeah, Mota. Hurry, hurry. स्कूटर वाला था ना Yo na ba ire? अपनी दुनिया जा रहे हैं इनको पता ही नहीं बताओ हमारे ये रिलैक्स जा रहे हैं बैठे हैं रिलैक्सिंग टाइम्स ये मैं नहीं अरे मैनिंगोस गाइस मेरा हर बार की तरह ओला का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा 2014 से यूज़ कर रहा हूँ तो अभी तक इनकी सर्विस बापी रहती है यानी बहुत अच्छी अब गाइज मैं आपको दिखाऊंगा इनका वाईफाई कैसे काम करता है बाकी इनकी सर्विसेज तो कैब्स की सर्विसेज तो अच्छी हैं और वाईफाई भी इनका बाप है आई ऑलवेज हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद ओला कैब्स गाइज अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसा था मेरा ओला का वाईफाई एक्सपीरियंस मतलब ओला का वाईफाई काम कैसे करता है कितनी स्पीड देता है ये सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ओला कैब की ऐप में मैं गया था ऐसे आई मैं इस टाइम राइड कर रहा था जब मैंने ये वीडियो शूट कर रहा था जब ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो बनाई है मैंने देखिए वीडियो लोकेशन अभी ये कर रहा है लेके आ गया गेटिंग वीडियो लोकेशन आ गई अभी ये ड्राइवर की इन्फो सब कुछ दिखाएगा जिस ड्राइवर के संग हम लोग राइड कर रहे थे उस दिन ये देखिए आ गई है एक सेकेंड में अभी दिखा देगा ये देखिए सब कुछ डिटेल्स आ चुकी हैं मैं इस ओला ड्राइवर के संग राइड कर रहा हूँ और वाईफाई भी था इस वाली कैब में तो मैं वाईफाई यूज़ कर रहा था मेरा नंबर ही मेरा पासवर्ड था जैसे कि होता है ओला की बाकी कैब्स में भी होता होगा तो देखिए मैंने स्विफ्ट वाईफाई ऐप खोली और उसके अंदर इस वाईफाई की स्पीड जानना चाहिए और इसे थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करने की सोची ताकि अगर थोड़ा बहुत कम स्पीड में चल रहा है तो सही स्पीड में हो जाए ये मेरे को थोड़ा टाइम लगा गाइस क्योंकि मेरा फ़ोन बहुत हैंग हो रहा था उस दिन बहुत सारी नोटिफिकेशंस मेरे नोटिफिकेशन बार में आ गई थी तो उससे बहुत हैंग होने लग गया था फ़ोन देखिए ये रहा ओला ऑटो कनेक्ट वाईफाई का नाम होता है ये हर ओला कैब का अगर आपको वाईफाई की सर्विस प्रोवाइडेड हो उस कैब में तो देखिए ये हो रहा है सिग्नल ऑप्टिमाइज़र ये स्विफ्ट वाईफाई ऐप की गाइस मैं लिंक आपको दोबारा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा देखिए अब स्पीड टेस्ट कर रहा है स्पीड आई है 137 kbps से 89 kbps तक ड्रॉप हुई है बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रही है और फिर फाइनली स्पीड गाइस आई है 71 kbps बहुत कम है ये वैसे अब मैं इसको दोबारा भी थोड़ा और टेस्ट करके देखूँगा बार बार फिर मैंने एक बार और क्लिक करा इसके ऊपर देखिए अब कर रहा हूँ दोबारा ये टेस्ट हो रहा है सिग्नल ऑप्टिमाइजेशन हो रही है दोबारा से अब देखते हैं क्या कर रहा है ये अब देखते हैं कितनी स्पीड आएगी गाइस ओ माय गॉड देखिए 466 kbps तक ये गया था अब ड्रॉप हो रही है स्पीड 212 182 kbps 143 kbps मेरे ख्याल से मैक्सिमम स्पीड आई है अभी हाँ 143 kbps तो चलो पहले से इम्प्रूव है
स्कोर भी इम्प्रूव हो गया, 84 हो गया है इस वाईफाई का ओला के। अब देखिए मैं इस वाईफाई को दोबारा डिसकनेक्ट करके कनेक्ट करूँगा। अभी मैं अपनी लोकेशन ऑफ़ कर रहा हूँ क्योंकि वो भी कभी कभी इंटरनेट यूज़ करती है, उससे भी क्या पता स्पीड पे फ़र्क पड़ रहा हो, कम आ रही हो स्पीड उसके चक्कर में, इसलिए मैं बंद कर दे रहा हूँ। और अब मैं दोबारा डिसकनेक्ट करके कनेक्ट करूँगा वापस ओला के वाईफाई को और फिर स्पीड टेस्ट करूँगा एक बार। और देखिए अब दोबारा मैं स्पीड टेस्ट करने वाला हूँ। आज दबा के चल रहा है इसका स्पीड टेस्ट बड़ी बुरी तरह। ये देखिए ये रहा ओला ऑटो कनेक्ट, ये रहा वाईफाई। बड़ा ही गाइस मज़ेदार होता है अगर आप ओला ऐप, अगर आप ओला कैब्स यूज़ करते हो तो आपको मज़ेदार है, आप वाईफाई भी चला सकते हैं, अपना नेटवर्क थोड़ा बहुत बचा ले, अपना इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा बहुत बचा लें। अब देखिए ये दोबारा मैं टेस्ट करूँगा इसको, आप देख सकते हैं अब ये टेस्ट होएगा गाइस, दोबारा हो रहा है। देखिए यहाँ पे टेस्ट है इसका, सेफ्टी टेस्ट चल रहा है अभी। अब सिग्नल ऑप्टिमाइजेशन हो रही है गाइस, जो मेन होती है जिससे सिग्नल इंप्रूव हो जाता है वाईफाई का। इसके बारे में गाइस मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस में वाईफाई की स्पीड कैसे अपग्रेड करें, तो वो आप देख सकते हैं। देखिए अब कितनी मरी हुई स्पीड आ रही है इस वाईफाई की, 7 से 5, 15 kbps, 30 थोड़ा बढ़ रहा है, 45 kbps बढ़ गया, लेकिन सिर्फ 45 kbps है, तो पहले से भी कम है। अब मैं इस वाईफाई को देखिए डिसकनेक्ट करके पूरी तरह से दोबारा कनेक्ट करा है, पासवर्ड वासवर्ड डाल के, अब देखते हैं क्या होगा। अब देखिए मैं दोबारा स्विफ्ट वाईफाई ऐप में इसमें टेस्ट करूँगा इसको, इस नेटवर्क को कि कितनी स्पीड दे रहा है। अब शायद ये ज़्यादा दे, भगवान करे, देखते हैं। चलिए सिग्नल ऑप्टिमाइजेशन हो रही है अभी। अब आ गया स्पीड टेस्ट, देखिए अब देखते हैं। ओ माय गॉड, देखिए कितनी स्पीड आ गई, 4.5 Mbps तक। तो अभी दिखा रहा है स्पीड 4153 kbps, कह रहा है यू कैन वॉच वीडियोस एंड प्ले गेम्स, यानी ये बहुत ज़्यादा स्पीड दिखा रहा है। फिर मैंने इसके बाद यूट्यूब वीडियोस भी चेकआउट करी थी गाइस। अब मैं आपको यूट्यूब पर एक वीडियो दिखाऊँगा चला के, उससे स्पीड का पता चल जाएगा कि कैसी स्पीड में लोड होती है इससे चीज़ें ओला के वाईफाई से। मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ओला कैब्स यूज़ करते हैं, तो ओला बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बाकी उनका वाईफाई और भी अच्छा है। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा, ये मेरे को डिसकनेक्ट वाईफाई चले गया था मेरा, फिर मैंने दोबारा कनेक्ट करा। अब देखिए दिखाता हूँ, अब ये दिखाएगा। अब मैं गीकी रंजीत की गाइस एक वीडियो आपको चला के दिखाऊंगा, देखिए बिल्कुल बिना कुछ रुकावट के वो वीडियो चल जाएगी, एकदम हाई स्पीड इंटरनेट है ओला का गाइस, वाईफाई ओला का। इफ़ यू यूज़ ओला कैब्स देन यू कैन कम्प्लीटली टेक द एडवांटेज ऑफ दिस वाईफाई एंड यू कैन सेव योर जियो स्पीड लिमिट of 1 GB. You can save that geo speed limit. If you are traveling an Ola cab, just connect to your Wi-Fi and save your geo network's limit. Save kariye apne geo limit ko while you are traveling in an Ola cab. So guys, I hope you will like this video. Please like and share this video and don't forget to subscribe to my channel. This is KSTG signing off. Bye bye.